तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आपने किसी भी टी शर्ट पर अपने मनपसंद की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। कोई वर्जी फर्जी डिज़ाइन बनने पहनने की आपको जरूरत नहीं है, कोई क्लासिक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मैं सर्च करना होगा makegood.in, क्योंकि ये वही वेबसाइट है जहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो गाइज ये है makegood.in का होम पेज। तो गाइज अपने टी शर्ट पर अपनी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट डिज़ाइन बटन पर क्लिक करना होगा। तो गाइस क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पहला पेज दिखाई देगा, जिस पर एक डिफॉल्ट टी शर्ट होगी उस पर क्लिक कर लेना है। वैसे तो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना है। आपको डिफॉल्ट टी शर्ट अब दिखाई देगी, ये डिफॉल्ट टी शर्ट है। तो पहले सबसे पहला काम आपको कलर चेंज कर लेना है। तो आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कलर दिखाई देंगे, जैसे कि कोई कलर ले लेते हैं, जैसे कि मैं व्हाइट ले लेता हूँ। क्वांटिटी एक है, एक ही रहने देते हैं, और हमें मीडियम चाहिए तो मीडियम ही रहने देते हैं। ठीक है, आपको जो कलर साइज चाहिए होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि आपको जो प्रोडक्ट के बगल में डिज़ाइन वाला बटन है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी टी शर्ट पर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी डिज़ाइन आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको डिज़ाइन बटन पर आके ही आप चेक कर सकते हो आपके टी शर्ट पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो गाइज ये हमने कलर चूज कर लिया। अब मुझे इसमें कुछ टेम्पलेट्स लगाने हैं, कुछ इमेज या लोगो लगाना है। जिसमें आपको प्रोडक्ट के बगल में टेम्पलेट्स भी दिख रहे होंगे कुछ, जो कि पहले से ही अपलोड हैं। ये कुछ आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ खराब होंगे, तो आपको जो इसमें से अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं लगाना, कोई नहीं लगाना है, तो एक और है क्लिप आर्ट, और इसमें से भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी नहीं अच्छा लग रहा है, जैसा कि आपको अपनी डिज़ाइन चाहिए, इसे इसमें से भी बना सकते हैं आप। अगर आपको फिर भी अपनी डिज़ाइन चाहिए तो एक इमेज क्लिप आर्ट के बगल इमेज का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज दिखाई देगा। मतलब ये चार इमेज नहीं दिखाई देगी, चार इमेज मैंने अपलोड कर रखी है। तो आपको अगर कोई इमेज अपलोड करनी हो तो इस पर क्लिक ड्रॉप पर क्लिक करेंगे, आपको फाइल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आप वहां से आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इमेज वहां पर अपलोड कर दिया है, आपको इमेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। वैसे मैंने वहां पर एक इमेज अपलोड कर दिया, दो तीन चार इमेज अपलोड कर दिया, तो उसी से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं बैक कर लेता हूं। इसमें से मैं कोरोना वाला बेसिकली, जैसे कि पांडा जो मास्क पहना है, उस पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके की इमेज आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो गाइज ये इमेज आ चुकी है, पर आप अगर गौर से देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इमेज या कोई भी लोगो अपलोड करना है तो गाइज उसका जो बैकग्राउंड होगा इसका रिमूव करके अपलोड करिएगा, तो वही अपलोड करिएगा। वरना अगर इसको अपलोड कर देंगे और टी शर्ट ऑर्डर कर देंगे तो वो पूरा प्रिंट होके ही आएगी, मतलब बैकग्राउंड भी टी शर्ट पर प्रिंट हो जाएगा, जो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइज इसमें एक फंक्शन है जो कि उस पर ही केवल अप्लाई होता है, जो कि बैकग्राउंड केवल एक कलर का होता है उसी पर केवल अप्लाई होता है, हर किसी को अप्लाई नहीं होगा। कोई जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कलर होंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा, कुछ कुछ रिमूव करेगा, कुछ कुछ छोड़ देगा, तो वो उतना क्लियरली रिमूव नहीं करेगा। तो गाइस इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको स्टार के बगल में जस्ट आपको एक ग्लास वाली बॉटल नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको लाइट बैकग्राउंड ऑलरेडी सेलेक्ट है, और सब आपको डीप में कुछ कर लेना है, बढ़ा लेना है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ 100, 101। ठीक है, अब देखिए आपको बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसको आप डिज़ाइन के अनुसार कहीं भी आप एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट लिखना है, अगर आपको टेक्स्ट लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, बट मेरे को भी टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं टेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा, और कुछ इस तरीके के पेज खुलेगा जिसमें आपको कई प्रकार के टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल दिखाई देंगे। ऊपर भी ये जो टेक्स्ट के स्टाइल ही है, आपको जो भी स्टाइल आपको टेक्स्ट में सही लगती हो आप वो सेलेक्ट लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो गाइज मैंने उसको एडिट कर दिया है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन या जो मैसेज मैंने लिख दिया है उसको क्रॉस बटन पर क्लिक कर लेंगे, और इसको मैंने अपने एडिटिंग के अनुसार जो भी है वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइज मैंने अपने डिज़ाइन के अनुसार एडजस्ट कर लिया। अगर टेक्स्ट का कोई भी कलर या फिर कोई फॉन्ट बदलना है, सारे टूल्स आपको ऊपर नजर आएंगे, टेक्स्ट को एडिट करने के सारे टूल्स आपको ऊपर नजर आएंगे। तो मेरे को कलर बदलना है तो बाल्टी पर मैं क्लिक कर लूंगा, और मेरे को जो कलर चाहिए मैं ले लूंगा, जैसे कि मैं ब्लैक ले लेता हूँ और क्रॉस बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया। अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन पर क्लिक करना होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें आप कर सकते हैं। तो गाइस मेरी टी शर्ट बनके रेडी हो गई है, और ये काफी सिंपल और क्लासिक लग रही है। और जब आपकी टी शर्ट बनकर रेडी हो जाए तो आप इसको आप खरीद सकते हैं। ब्लैक कलर का एरो ऊपर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप टी शर्ट को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए।